आप सभी का स्वागत है कुलदीप कौर की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं अलग तरीके से मैगी और मैक्रोनी, और ये खाने बहुत टेस्टी लगती हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैगी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। और तेल गर्म होने के बाद इसमें कसा हुआ लहसुन डाल देंगे और लहसुन को थोड़ा सा हम भून लेंगे। और लहसुन भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से चला करके भून लेंगे। और प्याज को धीमी गैस पर सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें भी चला करके भून लेंगे। हरी मिर्च भुनने के बाद इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। और हमने शिमला मिर्च भून के थोड़ी सी सॉफ्ट कर ली है और इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और पानी को उबलने देंगे। अब हमारा पानी अच्छे से उबल गया है और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। और मसाले को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। अब हमारा मैगी का पानी अच्छे से पक गया है। अब इसमें 2 पैकेट मैगी डालेंगे। और मैगी डालने के बाद इन्हें हल्का सा चलाएंगे और थोड़ी देर रहने देंगे। अब हमारी मैगी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और इन्हें चला करके इन्हें धीमी गैस पर पका लेंगे। और इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अब हमारी मैगी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें उली हुई मैक्रोनी डाल देंगे और अच्छे से मैक्रोनी को मैगी में मिक्स करेंगे। मैक्रोनी मिक्स करने के बाद इसमें शेजवान सॉस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और शेजवान सॉस मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी मेयोनीज डालेंगे और मेयोनीज को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने मेयोनीज अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हमारी मैगी मैक्रोनी बनकर तैयार है और सजाने के लिए 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारी स्पेशल मैगी मैक्रोनी बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।